नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। ऑटो से गढ़वा जा रहे पशुपालकों को ट्रक ने मारी टक्कर, एक की मौत, चालक घायल। मेराल थाना क्षेत्र की गोंदा गांव के समीप सुबह करीब 6 बजे NH-75 पर तेज रफ्तार से जा रही ट्रक ने एक ऑटो में टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार एक पशुपालक की मौत हो गई, जबकि ऑटो ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। इसका इलाज मेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। थाना प्रभारी लाल बिहारी प्रसाद एवं ASI संतोष कुमार ने बताया कि एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही दल बल की 7 घटनास्थल पर पहुंचकर घायल लोगों को मेराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने रमना थाना क्षेत्र के रोहिला गांव निवासी हलकन पासवान 70 वर्षीय को मृत घोषित कर दिया। साथ ही ड्राइवर हलकन पासवान का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक अपने एक सहयोगी के साथ गुरुवार को गढ़वा बाजार समिति में लगने वाले बाजार में बकरी बेचने जा रहा था कि गोंदा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही अज्ञात ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी। इस घटना में देव चरण पासवान 40 वर्षीय बाल बाल बच गए। घटना में कुछ बकरियां की भी मरने की सूचना है। घटना की जानकारी मिलते ही समाज सेवी व शिक्षक नेता मनदीप पासवान, नंदा पासवान, रंजीत कुमार पासवान, मंतोष पासवान, रमना आदि अस्पताल में पहुंचकर जानकारी ली तथा ड्राइवर के इलाज में सहयोग किया। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें ग्रीन लाइन न्यूज। बाल संस्कार हॉस्टल पिपरा काला गढ़वा में आवासीय सुविधाओं युक्त नवोदय, नेतर हार्ट सैनिक स्कूल एवं CHS आदि प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष तैयारी कराई जाती है। दिए गए नंबर पर संपर्क करें।